बहादुर सिंह और ये सब चल रहा, संघर्ष चल रहा है। जो भी लोग उन धर्मों में आज हम देखते हैं, जो लोग वहाँ कन्वर्ट हुए थे, चाहे उनके काम करने के लिए, उनको उस समय तो इज्जत मान सम्मान देने के लिए उनको एक एक मस्जिद में प्रार्थना करवाई गई, एक उनको गिरजाघर में उनसे प्रार्थना करवाई गई, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो जो लोग कन्वर्ट हुए थे वो कन्वर्टेड लोग आज भी उन धर्मों में वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पर किया करते थे, वो आज भी उन्हीं अपनी जातियों में शादी विवाह कर रहे हैं। तो भैया उस धर्म परिवर्तन का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? और उल्टा ये हुआ कि जो हमारी शक्ति आज एक महान शक्ति होनी चाहिए थी सबको मिला करके, कि जब काम वही करना है, खाली धर्म के नाम पे बंटवारा, और वो बंटवारा हो गया तो हमारी शक्ति छीन हो गई। अगर आज हम हिंदू खाली अनुसूचित जाति को देखें तो वो कितना है, अगर उसमें मुस्लिम वो लोग अपने जो भाई को चले गए थे कन्वर्ट हो गए, आज भी वहाँ झाड़ू मार रहे हैं, आज भी वहाँ किसी को पानी पिला रहे हैं, आज भी वो वहीं कारपेंटर का काम कर रहे हैं, आज भी वो कपड़े धो रहे हैं, आज भी धोबी कहलाते हैं, आज भी वो खाल निकाल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं परंपरागत, तो उनका जाने का कोई लाभ नहीं है। तो उनको समेटो अपने अंदर। जब आप क्रिश्चियन उसमें देखते हैं तो वो लोग उसी काम में जुटे पड़े हैं और उनके साथ ही वही भेदभाव है, और क्रिश्चियंस में तो इतना भेदभाव हो गया उनके गिरजाघर अलग अलग हो गए, और आज की डेट में तो उनमें 3-4-5 तरह के क्रिश्चियन हो गए, एक दो तरह के नहीं, उसमें भी 4-5 तरह के हो गए। और हम सिख धर्म की तरफ देखते हैं तो उसमें तो वहाँ पर दुनिया भर का उसमें वहाँ के जो गुरुद्वारे हैं वो भी अलग अलग हैं पंजाब में, ये रामदास के गुरुद्वारे हैं, ये जाटों के हैं, ये फलाने ये ढिकड़े वो अलग अलग ये जाटों के हैं, इस तरह से भेद हो गया। तो जब हमारे लोगों के साथ जो गए भी धर्म छोड़ के, जो गए भी, मगर उनको सब वही सब भुगतना पड़ रहा है, वही सब चीज़ें करनी पड़ रही है, तो फिर उसको हमें क्यों नहीं लामबंद करना चाहिए, हमें उनको क्यों नहीं समझाना चाहिए कि भाई हम एक हैं, हमारी पीड़ा एक है, हमारी तकलीफ एक है, खाली खाली धर्म की हमने कपड़े पहनने से, धर्म की हमने अमली जामा करने से, ABCD बदलने से, जब हमारे जीवन में ना शैक्षणिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, हमारे अंदर कोई बराबरी नहीं हुई है, तो आज क्यों ना हम इस मुहिम को शुरू करें जो आज हमने इसकी कोशिश की है कि जो हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति हैं उसके साथ साथ जो दलित उसको भी अनुसूचित जाति कहना चाहिए, अनुसूचित जाति मुस्लिम बौद्धिस्ट क्रिश्चियन और हमारे उसमें सिख, इन सबको मिला करके एक महाशक्ति बना के जो आने वाले जो चुनाव है जो है इन्हीं को बनाओ ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे सूबों के मुख्यमंत्री आपके होंगे, सारी कैबिनेट आपकी होगी। आज इस 10% लोगों से हमें मांगना पड़ता है, हमारे लोग गिड़गिड़ाते हैं उनके पास जाकर के, उन राजनीतिक पार्टियों से जहाँ ये जिनका 1.5 वोट है वहाँ पर 80% वोट वाला जाके हाथ जोड़ के खड़ा है और एक दायरा खींच दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा हर राजनीतिक पार्टी, और बाबा साहब ने यही कहा था। तो आज हमारी जो ये पहल है, ये जो हमारी पहल है ये इसीलिए पहल है, और इसके सारे जिम्मेदार साथी हमने बुलाए हैं सबको, हम सब साथी हमारे जिम्मेदार, एक ये सारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, और ये एक औपचारिकता है कि मंच पे खाली जो एक मंच चलाने के लिए अध्यक्ष मंडल होता है वो है, बाकी आप सब अध्यक्ष हैं, सब हमारे भाई हैं साथी हैं, कोई ये ना सोचे कि किसी साथी को मंच पे नहीं बुलाया बिठाया, ये मंच है। अब ये खुले मंच से हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस पर अपनी जो हम चर्चा कर रहे हैं इस पर अपने सब साथियों को 5-5 मिनट का समय मिलेगा, और विषय के ऊपर साथी रहें, देखो बोलने को तो पूरा जहान की चीज़ें हमारे अंदर हैं, तकलीफें हैं, लेकिन हम किस तरीके से एक भाईचारा कायम करें, और दूसरा हम 3-4 इसमें प्रस्ताव भी शाम को जाते समय पास करेंगे। एक प्रस्ताव तो ये कि जो सिख और क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं इनको तो अनुसूचित जाति में जो रिजर्वेशन के दायरे में ले आया गया है, इनको क्रिश्चियन को नहीं लाया, सिख और बुद्धिस्ट को इनको तो दायरे में आ गए, इनको जो अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन या जो बेनिफिट मिलना है, लेकिन जो क्रिश्चियन है और जो मुस्लिम है इनको भी उस जो आर्टिकल अनुच्छेद 341 है जो संविधान का, उसके अनुसार उनको भी जो लोग उसमें भी वही काम कर रहे हैं अनुसूचित जाति हैं उनको भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले और उनको भी इस दायरे में लाया जाए, जिससे कि एक व्यापक एकता और एक व्यापक शक्ति बने, इसके हमारी मांग इसमें है। तो इसको हम लेकर के आज ये चल रहे हैं, और दूसरा महंगाई के विरुद्ध जो हो गई है त्रिभयंकर, इसमें एक प्रस्ताव पास करेंगे, और तीसरा जो महिलाओं के ऊपर इस देश में पूरे देश में आज जो एक भयानक माहौल बना हुआ है कि
हर जगह बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं को कल तो परसों तो हद हो गई वहाँ बिहार में, वो महिला को नंगा करके वो पागलों की तरह हंस रहे हैं, पागलों की तरह वो, ये देश कहाँ जा रहा है? इतनी असभ्यता, इतनी जलालत, वो नौजवान वो भीड़ तंत्र महिला को नंगा करके आ गए, मतलब इतना आज के दशक में जब हमारी सरकार आसमान से चांद तारों से नीचे बात ही नहीं करती है और इस देश में इतनी बुरी हालत हो रही है कि वो भीड़ उनको नंगा करके महिला को इस तरह अपमानित करके जा रही है और वीडियो बना बना करके वो डाल रहे हैं और पुलिस खड़ी हुई देख रही है, मूक दर्शक खड़ी हुई देख रही है और वो लोग जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे क्या वहाँ पर संगठन बनाने वाले नहीं खड़े थे क्या? भले ही पिट जाते क्यों नहीं आपने उस पर कपड़ा ढका, महिला के साथ क्यों नहीं खड़े? तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसमें प्रस्ताव करना है इसके पास इसके खिलाफ और महिलाओं को शक्ति देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। और चौथा हमारा प्रस्ताव होगा जो भीड़ तंत्र चल रहा है, जहाँ गाय के नाम पर पकड़ के पीट रहे हैं भीड़, एक आदमी को मर्डर करते मार रहे हैं, जहाँ दलितों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं भीड़ तंत्र में, महिलाओं को 5 महिलाओं को मार दिया था पीछे वो आगरा कौन से उत्तर प्रदेश के उस पर, खाली की डाय ने इन्होंने कुछ वो कर दिया उसको, उनको मार दिया और 2 आदमियों को भीड़ ने 500-600 लोगों की भीड़ ने बेदर्दी से मार दिया। एक बच्चे ने जो अभी 10-15 दिन पहले की वो है, ये है एक बच्चे ने होगा 12-14 साल का, उसको भूख लगी होगी, पैसे नहीं होंगे, उसने किसी उससे एक रोटी ले ली, उसको चोर करके वो रोटी दी है कम, उसको चोर समझ पकड़ के और भयंकर रूप से मुस्टंडे पीटर, उनको शर्म नहीं आई, उनके घर में बच्चे नहीं है, उसने चोरी भी किया तो आप कौन है, आपको किसने हक किया कि आप मारो, आप पुलिस को उसको इतला करो, पुलिस के हवाले करो, आप इसलिए उसने चोरी की, क्या वजह है उसके पीछे? कोई सामने सामने मर्डर भी कर देता तो उसको भी पूरा उसको मौका मिलता है इस देश के कानून में, आपको किसने मौका दिया? ये जो भीड़ तंत्र आज गुंडागर्दी कर रहा है, ये संगठित भीड़ तंत्र है, इसके विरुद्ध हमें प्रस्ताव पास करना।